नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। रानू मंडल की बॉलीवुड एंट्री का खुला राज, इस वजह से हिमेश रेशमिया ने उन्हें दिया था गाने का ऑफर, क्या है ये पूरी खबर, आइए आपको बताते हैं। वेल, पश्चिम बंगाल के रेलवे स्टेशन पर गाना गाकर अपना गुजारा करने वाली रानू मंडल रातों रात सुपरस्टार बन चुकी हैं। हालांकि सुपरस्टार बनने से पहले रानू मंडल का सफर काफी मुश्किलों भरा रहा, यहां तक कि उनके पास रहने के लिए घर तक नहीं था। इन बातों का खुलासा खुद रानू मंडल ने सोनी टीवी पर आने वाले शो सुपरस्टार सिंगर के मंच पर किया। इसके अलावा रानू मंडल ने गायकी के मंच पर एक जबरदस्त गाना भी गाया, जिसे सुनकर खुद जावेद अली भी हैरान रह गए। सुपरस्टार सिंगर के इस प्रोमो वीडियो में दिखाई दिया कि शो पर रानू मंडल के आते ही वहां मौजूद लोग उनका सम्मान करते हैं। इसके बाद शो के होस्ट जय भानुशाली रानू मंडल से पूछते हैं कि वो स्टेशन पर गाना क्यों गाती थी। रानू मंडल ने इसके जवाब में कहा, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था, मैं स्टेशन पर अपना पेट पालने के लिए गाना गाती थी। वहां गाना गाने पर कोई मुझे बिस्किट देता, कोई खाना और कोई पैसा देता था। इसके बाद रानू मंडल ने जावेद अली के कहने पर प्यार का नगमा भी गाया। रानू मंडल के इस टैलेंट को देखकर हिमेश रेशमिया काफी प्रभावित हुए। इसके साथ ही उन्होंने रानू मंडल से उनकी फिल्म के लिए एक गाना गाने का भी ऑफर दिया। रानू मंडल से अपनी फिल्म के लिए अनुरोध करते हुए हिमेश ने कहा, आप बहुत सुरीला गाती हैं, मुझे सलमान भाई के पापा हमेशा कहा करते थे कि अगर कोई टैलेंट दिखे तो आप उसे आगे ले जाने की पूरी कोशिश करो, इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरी फिल्म में एक गाना गाएं। तो इस तरह से रानू को मिल गया एक बड़ा ब्रेक। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के रानाघाट रेलवे स्टेशन पर बैठकर लता मंगेशकर की आवाज में गाना गाने वाली रानू मंडल अपने इस टैलेंट को लेकर रातों रात ही सुपरस्टार बन चुकी हैं। अपनी एक वीडियो के चलते रानू मंडल ने पूरे देश में अपनी दमदार पहचान बना ली थी और अब आलम यह है कि रानू मंडल की आवाज टीवी पर भी धमाल मचा रही है, साथ ही बॉलीवुड में भी उनकी एंट्री हो चुकी है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।